आज की रेसिपी है मूंग दाल पकौड़ा। और ये मूंग दाल पकौड़ा सिर्फ 2 बूंद तेल में आपको लगा करके बनाना है। बहुत ज़्यादा तेल भी यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ है। और इसके साथ ही हम चटनी भी बनाने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ये है मूंग दाल, जो कि 150 ग्राम मूंग दाल है। इसको हमने 3 से 3.5 घंटे पानी में भिगो करके छोड़ दिया था। ये फूल चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको अब हम पीसेंगे और पीस करके इसका पेस्ट रेडी करेंगे हम। तो इसे पीस लेते हैं फिर। तो हमारा पेस्ट जो है मूंग दाल का रेडी हो चुका है। और यहाँ 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किए। इसके बाद डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक। इसके बाद कद्दूकस के गाजर मूली आप जो भी ऐड करना चाहें डाल सकते हैं। हम डाल रहे हैं 1 इंच अदरक चॉपिंग किया हुआ और 1 बड़ी साइज की हरी मिर्च है। इसके बाद हम ऐड करेंगे 2 स्मॉल साइज की प्याज है, जिसको हमने बारीक चॉपिंग किया हुआ है। इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है और मिक्स करके ये पेस्ट जो है तैयार कर लेते हैं। ये मसाला बहुत ही अच्छा। और इसमें एक चीज़ हम डालेंगे जिससे आपका पकौड़ा जो है एकदम फूल फूल जाएगा। तो डालते हैं फिर इसको, जब हम मिक्स कर लेंगे तो हम यहाँ पे अब इसको फूलने के लिए डालेंगे इनो। और ये हमारा देख रहे हैं आप लेमन वाला इनो है 1 पैकेट, इसको हम ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, ये बहुत ही कम समय ऐसे अगर आप डालेंगे बनाएंगे तो थोड़ा देर में स्पंजी होगा। इसको डालने में सिर्फ 5 मिनट में आपका पकौड़ा जो है वो एकदम फूल जाएगा। इनो को डालने के बाद एक खास चीज़ होती है कि इसको तुरंत मिला करके तुरंत बनाना शुरू कर दे, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना होता है, वरना ये गाज टाइप में हो जाता है पूरा। तो ये हमारा अप्पा बनाने वाला साचा है, जो कि आप देख सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा हमने सिर्फ एक बार ब्रश में ऑयल लगाया, सारे उसमें हम लगा लेंगे ऑयल। इसके बाद राई डाल रहे हैं हम यहाँ पे, जिसको मस्टर्ड सीड भी कहा जाता है, छोटा दाना है, इसको राई बोला जाता है। और अब हमने जो पेस्ट रेडी किया हुआ है, राई हमारी जो है चटक चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं, और हम सारे पेस्ट जो है अप्पे वाले में डाल देते हैं। तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम चटनी बनाएंगे। तो पहले इसको हम पूरा डाल लेते हैं। इसको करने के बाद आपको सिर्फ 5 मिनट में, ये बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट में ये एकदम स्पंजी हो जाएगा पूरा डालने के बाद। और ये हमने डाल दिया, अब कवर करेंगे। और कवर करके 5 मिनट में लो फ्लेम करके, ध्यान रहे लो फ्लेम करके इसको हम छोड़ देंगे। पूरे 5 मिनट बाद खोलेंगे इसको। तो पूरे 5 मिनट हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा फूल चुका है एकदम पूरा। और ये बिल्कुल चिपका नहीं है, तुरंत एक बार में ये निकल जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये खास चीज़ हो गई है इसमें, ये कितना ज़्यादा एकदम फूल फूल चुका है। और इसी तरह से दोनों तरफ हम सेक लेंगे, क्योंकि एक साइड तो हो चुका है और दूसरी साइड भी इसी तरीके से सेक लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका लुक आ रहा है। तो इसको हम फिर से ढक देते हैं और अब हम तैयार करते हैं चटनी। तो चटनी के लिए हमने लिया हुआ है 1 टमाटर, ये आप देख सकते हैं थोड़ा मीडियम साइज का ये टमाटर था, और 1 है मूली। इसके बाद 2 छोटा छोटा सा, ये देख सकते हैं आप, इसको हमने कट कर लिया ताकि पीसने में ये थोड़ा हेल्पफुल रहे। 2 छोटा छोटा ये टुकड़ा हमारा अदरक का है, जिसको हम डालेंगे चटनी में। और 2 हरी मिर्च अपने तीखा के अनुसार आप बढ़ाइए और घटाइए। तो इसको पीस करके इसकी चटनी बहुत अच्छा लगता है। अगर ये आप अप्पा खा रहे हो, अगर आप चिल्ला खा रहे हो, तो इसके साथ ये चटनी बना करके अगर आप खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है टेस्ट। या समोसे के साथ भी आप इसको खाइए। तो इसको हम पीस लें। तो ये देख सकते हैं आप, हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। अब हल्का सा स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मूली है जो कि ऑलरेडी बहुत ही अच्छा टेस्ट दे देगा हमारी चटनी को। तो आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो हमारा रेडी हो चुका है पकौड़ा मूंग दाल की, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम तेल में झटपट बन जाने वाला नाश्ता। इसके साथ आप हरी चटनी खाइए, इसके साथ हमने जो मूली टमाटर की चटनी बनाया है उसके साथ खाइए, या इसको आप
सेजवान चटनी के साथ खाएंगे तो एकदम सुपर टेस्ट आने वाला है। किसी चीज़ के साथ भी खाएं या फिर इसको आप अकेले भी लेकर के अगर आप खाते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियोज़ डालें उसकी अपडेट आपको मिलते रहें फटाफट से, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे से डिश जो है डेली डालते रहते हैं। तो उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो ये देखिए इसको हम हरी चटनी में लगा रहे हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है और ये बहुत ही टेस्टी है। इसको जैसे आप मुंह में खाएंगे ना, ऊपर से तीखा और अंदर से थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट आएगा मूंग दाल की वजह से। बहुत ही टेस्टी था ये। तो इसको हम खा लेते हैं, बहुत टेस्टी है ये। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये अंदर कितना ज़्यादा स्पंजी है, बिल्कुल ढोकले की तरह, जितना पफ जितना ढोकले में होता है उतना ही पफ है इसमें। और इसको आप मीठी चटनी के साथ खाइए या फिर सेजवान के साथ।